कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मनपा प्रशासन तथा पदाधिकारी पूरी तरह से नियोजन में विफल हुए हैं, ऐसी जानकारी मेडिकल का जायजा लेने आए प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले इन्होंने दी है। इस मौके पर उन्होंने मेडिकल के तमाम अधिकारियों से बातचीत की। पूरे विदर्भ में कोरोना का असर बड़ा है। विदर्भ में बढ़ते आंकड़ों और नाकाफी पड़ते इंतजाम एक चिंता का विषय बना हुआ है। एशिया के सबसे बड़े अस्पताल मेडिकल में प्रतिदिन कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। दूर दराज से कई कोरोना मरीज अपना इलाज मेडिकल में करवा रहे हैं, लेकिन बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या और उन्हें पूरी सुविधा मिल पा रही है या नहीं, या फिर मेडिकल में कौन कौन सी बातों की असुविधा हो रही है, इसका जायजा लेने के लिए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले इन्होंने मेडिकल अस्पताल का जायजा लिया और मेडिकल के डीन और वरिष्ठ डॉक्टर की टीम से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया। इस मौके पर नाना पटोले इन्होंने मनपा को आड़े हाथों लिया और कोरोना की चेन बढ़ाने में मनपा के पदाधिकारी पूरी तरह से जिम्मेदार होने का ठिकरा फोड़ा। इस मौके पर हमारे संवाददाता संजय मीरे इन्होंने नाना पटोले इनसे बातचीत की, आइए देखते हैं। इस समय हमारे साथ में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले जी, उनसे जाना चाहेंगे। पटोले साहब, ये बताएं कि जिस तरह से आज ये जो दौरा हुआ है, क्या कहना चाहोगे, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोरोना का बढ़ता जो संक्रमण है उससे शहरवासी और ग्रामीण के लोग काफ़ी उनमें एक चिंता का विषय है, क्योंकि जो सामग्री चाहिए, जो वस्तुएँ चाहिए वो नहीं मिल रही है, क्या कहना चाहोगे सर आज? शहर में वैसे महानगर पालिका की बड़ी जवाबदारी जाती है प्रॉपर टेस्टिंग करवाना, और जो पेशेंट उसमें निकलते हैं तो उनको उनका विलगीकरण करना, ये जवाबदारी महानगर पालिका की जाती है। नागपुर आज सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट बन चुका है, और जिस तरह से महानगर पालिका ने शहर के लिए काम करना चाहिए था वो नहीं किया, और उसी के परिणाम नागपुर भुगत रहा है। आज आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर जब ये कोरोना की शुरुआत हुई और उसके ऊपर जब वैक्सीन निकली, तो वैक्सीन के माध्यम से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन अगर उस समय किया जाता तो आज हमें ये समय देखना नहीं पड़ता। कई अपने युवा इस कोरोना में उनका वो उनका मृत्यु हुआ, और ऐसे समय में बड़े पैमाने में वैक्सीनेशन होना ये भी बहुत ज़रूरी थी, और केंद्र सरकार भी इसके लिए बड़ी जवाबदार ये उनकी जाती है। राज्य सरकार की तरफ से ये सभी चीज़ों को कंट्रोल करने की भूमिका शुरू हो चुकी है, और राज्य सरकार पूरी तरह इसमें काम कर रही है। जो लॉकडाउन में भी आप देख रहे हो कि लॉकडाउन में भी एक राजकारण करने की भूमिका बीजेपी की तरफ से शुरुआत हो चुकी है। गए साल जब कोरोना ये नया देश में आया तब हमने थालियाँ बजाई, दिए जलाए, और क्या क्या हुआ आपने पूरे देश ने देखा है, कैसे देश का नुकसान हुआ वो भी आपने देखा है। लेकिन आज वही बीजेपी राजकारण पे उतारू हो चुकी है। ऐसे समय में ये राजकारण नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लोगों की जान बचाना यह सबसे बड़ा दायित्व हम सबका जाता है, और ऐसे समय में सबने एक होकर पूरी ताकत के साथ, क्योंकि अब दिल्ली की सरकार तो नागपुर के भरोसे चलती है ऐसा सब लोग बताते हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरह से आज यहाँ आपने जो सरप्राइज विजिट की है, यहाँ के डीन थे, तमाम वैद्य के अधिकारी थे, क्या उन्हें मार्गदर्शन क्या हुआ है, क्या बातें हुई थी? हमने उनकी क्या तकलीफें यहाँ पर हैं वो पहले सुना, आज रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, डॉक्टरों की बात हो, यहाँ की व्यवस्था की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, ये सब उनकी तकलीफें हमने सुनी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसी मदद कर सकती है, कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमने उनको मार्गदर्शन किया है। आज की तारीख में मेडिकल कॉलेज एक अच्छा काम यहाँ पे कर रहा है, और मुझे लगता है कि कई लोगों की जानें बचाने की यहाँ पे व्यवस्था बनेगी। सर, सबसे ज़्यादा मेडिकल में कौन सी सुविधा का अभाव दिखाई दिया बातचीत में? देखो कि आज वैक्सीनेशन जो चाहिए जी, वो यहाँ पर कमी है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका रेशनिंग करके रखा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसकी कमी है,
और वो भी अभी उसको ज़्यादा मदद कैसी कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोगों को काम करें। बिल्कुल, तो आप थे नाना पटोले जिन्होंने बखूबी बैबा के साथ बात करते हुए कहा कि जिस प्रकार से डीन और तमाम अधिकारियों के साथ जो बैठे गए उनमें मेडिकल अस्पताल को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी बातों से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई और नाना पटोले ने खुद सभी डॉक्टर को विश्वास में लेके काम करने की हिदायत दी है। और कोरोना की चेन को रोकना है तो हम सब ने भी पूरी शिद्दत के साथ उसका पालन करना होगा, ऐसी बात नाना पटोले इन्होंने कही है। मेडिकल कॉलेज से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहोड़ के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।